साल 1951, पाकिस्तान के रावलपिंडी में पीएम लियाकत अली खान का तख्ता पलट करने की साजिश हुई। फिर इस साजिश के राज खुले, लोगों की गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तार हुए लोगों में एक शायर का नाम भी था। फिर उस शायर पर मुकदमा चला। उस वक्त के पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा थी कि उस शायर को फांसी होगी। गनीमत रही कि उनके खिलाफ इल्ज़ाम साबित ना हो सके और वो 1955 में रिहा हो गए। जेल में उन्होंने शायरी की और वो शायरी जिंदान नामा के नाम से छपी, जिसका मतलब है कारावास का ब्यौरा। हम बात कर रहे हैं शायर फैज़ अहमद फैज़ की, जिनका आखिरी शायरी कलाम गुबारे अय्याम के नाम से छपा। उनकी एक बेहद ख़ास गज़ल आपको सुनाते हैं। मैं हूं अभिजीत शर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़ की खास पेशकश कविशाला। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहे हैं कोई शबे गम गुजार के। वीरा है मैकदा खुमो सागर उदास है, वीरा है मैकदा खुमो सागर उदास है। तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। एक फुर्सते गुना मिली वो भी चार दिन, एक फुर्सते गुना मिली वो भी चार दिन। देखे हैं हमने हौसले परवर दिगार के। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। भूले से मुस्कुरा दिए थे वो आज फैज, भूले से मुस्कुरा दिए थे वो आज फैज। मत पूछ वलवले दिले ना कर दरकार के। हम पर तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम ही तो है, हम पर तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम ही तो है। दुश्नाम तो नहीं है ये अकराम ही तो है। करते हैं जिस पे तन कोई जुल्म तो नहीं, करते हैं जिस पे तन कोई जुर्म तो नहीं। शौके फिजूल उल्फते नाकाम ही तो है। और आखिरी शेर है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा था कोई शबे गम गुजार के। नमस्कार।